नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के वाराणसी से, जहां पूरे देश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। उसी क्रम में आज वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिला इकाई व अन्य सहयोगी संगठनों के द्वारा अपने चहेते प्रदेश अध्यक्ष को रिहा करने के लिए वाराणसी युवा कांग्रेसियों ने टाउन हॉल स्थित गांधी पार्क में सांकेतिक मौन, उपवास व धरना प्रदर्शन किया। इस क्रम में वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा कांग्रेसियों के साथ नोकझोंक, धक्का मुक्की व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक अजय राय के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर प्रशासन के द्वारा पुलिस लाइन ले जाया गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन व सरकार के विरोध में उग्र नारेबाजी की। गिरफ्तारी करने के बाद पूर्व विधायक अजय राय के साथ जिलाध्यक्ष विश्वनाथ कुमार सिंह के साथ दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। आप देख रहे हैं वाराणसी से, धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किस तरीके का आप लोगों ने कार्यक्रम आज? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी अजय लल्लू जी की गिरफ्तारी हुई है, कोई उसका रीजन नहीं है। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता देश जानता है कि बसों का मामला था, बसों की लिस्ट मिल गई थी। सेवा के मामले में फर्जी फंसा कर उनको जेल भेजा गया। लगातार माननीय न्यायालय द्वारा जमानत की तारीख किया जा रहा है। सरकार उनके साथ लगातार जेलों में अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है। उसी को लेकर आज सब लोग धरना पर बैठे थे। आज हम लोग प्रतीकात्मक विरोध करने आए तो पुलिस द्वारा लात से, मुक्कों से, लाठियों से पीटा जा रहा है सबको। ये कहाँ का न्याय है? कैसा लोकतंत्र है? योगी जी को वो दिन याद नहीं है जब उनके ऊपर खतरा आता है तो संसद में रोने तक चलते हैं। वो रोने की बारी आ जाती है। उसी तरह सब इंसान है ना, बिना किसी कारण के किसी पे आप पाप करेंगे, अन्याय करेंगे तो उसकी सजा भी आपको भी मिलेगी। योगी जी, आप हम लोगों को, आज युवाओं को बिना कारण मार रहे हैं, लात से, घूसों से, मुक्कों से। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? विश्वनाथ कुमार नाम है, हम लोग की आज मांग है, गला बैठ चुका है हमारा, प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई हो। हम लोगों पर, युवाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, प्रतीकात्मक विरोध में जिस तरीके से मारा जा रहा है, ये सब ना हो। अगला कदम क्या होगा अगर रिहाई नहीं होती है? अजय राय जिंदाबाद, 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 और प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवा पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदर सत्कार की परंपरा हम हमेशा दिल से निभाते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी खुशियों में हम चार चांद लगाते हैं। प्यार भरी भेंट और उपहारों के रूप में त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। आपके सभी अनमोल रिश्तों को हम प्यार से सजाते हैं। स्वर्ण अलंकार की कला समेटे हम हैं शिवा ज्वेलर्स, घास बाजार, मऊ।